हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल को देखने के लिए आप सबको फिर से एक बार धन्यवाद है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि फोटोशॉप के अंदर जो फ्री ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब जो ट्रांसफॉर्म करके वो हम लोग फोटो को छोटा बड़ा सब करते हैं कंट्रोल टी से, उसी ट्रांसफॉर्म के बारे में हम सीखेंगे। तो ट्रांसफॉर्म का अंदर बहुत थोड़ा ऑप्शन है, शायद आपको पता नहीं सब, तो वो सब मैं आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। तो ट्रांसफॉर्म का कितना तरह से यूज हो सकता है, तो एक सीखने से पहले जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो के ठीक नीचे देखिए लाल कलर का एक बटन है जिसमें सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसमें सब्सक्राइब करना है, एक बार क्लिक करना है। और उसके पास में जो बेल घंटी है उसको क्लिक करने के बाद ऑल पे क्लिक करना है, मतलब आपके पास वो बेल घंटी मतलब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। आगे मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा वो आपके पास नोटिफिकेशन जाता जाएगा और आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्म का कितना टाइप का आपका यूज हो सकता है, किस किस प्रकार का यूज हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म रहता कहाँ, पहले बात है एडिट में गया, यहाँ पे देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी कर दिया। अभी इस फोटो को कैसे छोटा बड़ा करना है, आप ऐसे पकड़ के आप उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, ये गलत है। आपको इसको कंट्रोल टी करना है और शिफ्ट पकड़ के उसको किसी कॉर्नर पकड़ के ऐसा छोटा करना है। शिफ्ट पकड़ने के बाद एक कॉर्नर पकड़ के आपको छोटा या बड़ा करना है। ये देखिए एक साइड से हो रहा है, जिस कॉर्नर को पकड़ेंगे शिफ्ट पकड़ने के बाद जिस कॉर्नर को पकड़े उसी कॉर्नर से छोटा बड़ा होगा, एकदम पर्सपेक्टिव के साथ छोटा बड़ा होगा। इसका और एक तरीका है, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके जिस भी कॉर्नर को पकड़ेंगे ये चारों तरफ से छोटा होगा। यहाँ पे आप दो तरह का सीख गए आपने, एक सेप शिफ्ट पकड़ के किसी भी कॉर्नर को पकड़िए, सेप उसी कॉर्नर से छोटा होगा, कॉर्नर से छोटा होता जाएगा। अगर आपने शिफ्ट और ऑल्ट एक साथ प्रेस कर दिया और किसी भी कॉर्नर को कॉर्नर पकड़ लिया तो चारों तरफ से छोटा होता जाएगा। देखिए शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करने के बाद चारों कॉर्नर से छोटा बड़ा होगा, ये क्लियर है आपको। तो फोटो को मेरे को उल्टा सीधा नहीं छोटा बड़ा करना है, शिफ्ट पकड़ के छोटा करना है ऐसे, या बड़ा करना है ऐसे, या तो शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करने के बाद ऐसे छोटा बड़ा करना है। चलिए ये हो गया आपको शिफ्ट का मेन काम। और इसके ऊपर देखिए राइट क्लिक कीजिए, इतना सारा ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन का कुछ ना कुछ काम है सबका, ये सब यूज मैं आपको सिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, और ये बहुत काम का है, किसी भी डिजाइनिंग के लाइन पे ये एकदम मास्ट है ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म। तो मैं ऊपर से नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, एकदम नीचे से फ्लिप वर्टिकल, मतलब ये फोटो जो लंबाई में है ये ऊपर का पोर्शन नीचे आ जाएगा, नीचे का पोर्शन ऊपर आ जाएगा। देखिए ये फ्लिप वर्टिकल, मतलब ये फ्लिप हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा नीचे का। फिर राइट क्लिक कीजिए, नीचे का ऑप्शन होगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड में जाएगा, राइट साइड लेफ्ट साइड में जाएगा। ये देखिए हॉरिजॉन्टल, मेरे को इस साइड में फोटो लगाना है तो ऐसे कर सकते हैं, अगर मेरे को इस साइड में फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो इस साइड में लगा सकते हैं, ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल का काम है। उसके बाद राइट क्लिक कीजिए, रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये देखिए ये इस साइड से रोटेट होता जाएगा, CCW इस साइड से रोटेट होता जाएगा, और 90 डिग्री क्लॉकवाइज ये होगा तो इस साइड से रोटेट होगा, मतलब जिस टाइप से घड़ी का सुइयां घूमती है उसी साइड से, ये साइड से ये घूमता जाएगा क्लॉकवाइज, CW मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी का कांटे के जिस तरह से घूमते उसी तरह से घूमता जाएगा। फिर राइट क्लिक कीजिए, 180 डिग्री में रोटेट हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री में रोटेट हो जाएगा, बिल्कुल फ्लिप वर्टिकल मैंने जो दिखाया था ये फ्लिप वर्टिकल, इसका ऑप्शन है 180 डिग्री, फिर कर दीजिए 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए नीचे का एक पांच ऑप्शन हो गया, अभी है रैप, रैप रैप मतलब आपका किसी भी, जैसे मैं दिखाता हूँ मेरे पास ये एक है रैप, इसको इसके ऊपर रैप करना, मतलब इसको इसके ऊपर लपेटना है, उसको रैप WRAP रैप, मतलब आपको सबको तो पता ही होगा रैप, मतलब किसी भी पैकेट या किसी डब्बे के अंदर ऊपर जो प्लास्टिक मतलब वो ये रहता है आपका पैकेट रहता है जो लपेटे हुए उसी टाइप का ये बनेगा। तो इसको मैं इसके जैसे बनाता हूँ, पहले इसको तो मैं छोटा करता हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करने के बाद ऐसे छोटा कर लेता हूँ, बिल्कुल उसे उसके साइज से कर लेता हूँ, बस इतना सा इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ बस। अब इसको मिडिल में देता हूँ, एक बार ओपेसिटी कम करके देख लेता हूँ, बस मिडिल पे आ गया इसको ना। अभी इसको मैं कंट्रोल टी किया, फिर इसको रैप किया,
अभी रैप देखिए कैसा होता है, इसको मैं इस कॉर्नर पे दिया, इसको लेके आके इस कॉर्नर पे दिया, इसको लेके आया इस कॉर्नर पे दिया, इसको लेके आके इस कॉर्नर पे दिया। अभी यहाँ से इसको मैं इस लाइन को एकदम इस लाइन को जहाँ पे मेरा ये है बूथी लाइन से मैं इसको करूँगा, इस हैंडल पकड़ के पकड़, ये हैंडल को पकड़ने के बाद इसको थोड़ा सा अंदर कर दीजिए, देखिए अंदर चला जाएगा बस। अभी देखिए ये लग रहा है किसी डब्बे के ऊपर अपने ये पैकेट चिपका हुआ है, इसी को कहते हैं रैप कहते हैं। देखिए फोटो मेरा इसके ऊपर ऐसे चिपका गया, लग नहीं रहा है कि डब्बे के ऊपर चिपका हुआ है। चलिए ये हो गया रैप का, इसको मैं अंडू करता हूँ, इसको अंडू करता हूँ, फिर वापस मेरे जगह पे लाता हूँ इसको। रैप का ऑप्शन तो आपको पता हो गया, कंट्रोल टी करता हूँ, रैप हो गया। अभी पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव क्या है इसको मैं बंद कर देता हूँ, पर्सपेक्टिव में तो राइट कंट्रोल टी करता हूँ, राइट क्लिक पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब ये देखिए, ये एक कॉर्नर को पकड़ के इसके बड़ा कीजिए, देखिए इस तरह किसी टाइल से आप फ्लोर पे आप ऐसे डिजाइन करते हो। पर्सपेक्टिव इसको लाइए, पर्सपेक्टिव ये है, ये है पर्सपेक्टिव, इसको छोटा कर दीजिए, ये है पर्सपेक्टिव, इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। चलिए ये हो गया, ये फ्लोर का डिजाइन, टाइल्स का डिजाइन ऐसे कर सकते हो पर्सपेक्टिव से। फिर कंट्रोल टी किया, फिर मैं गया, फिर आया डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट मतलब इसको, डिस्टर्ब मतलब तो पता है आपको, खराब करना है। डिस्टर्ब मतलब इसको मैं किसी भी शेप में इसको कर सकता, जैसे ये फोटो को मैं कॉर्नर को पकड़ के इसको यहाँ पे दे दिया, इस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पे दे दिया, इस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पे लेके आ गया, इस कॉर्नर को पकड़ के मैं यहाँ पे ले गया, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट, इस कॉर्नर को पकड़ यहाँ दे दिया, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्ट मतलब फोटो को मैं किसी भी तरह के शेप में इसको मैं एडजस्ट करता हूँ, मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल किसी भी शेप में इसको मैं यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे दे दिया, वहाँ पे दे दिया, ऐसा कुछ भी कर सकता हूँ। यह है डिस्टॉर्ट, फोटो को रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में किसी भी शेप में मैं इसको सेट कर सकता हूँ। फिर कंट्रोल टी किया, फिर इसमें आया स्क्यू, स्क्यू का भी ऑप्शन देखिए कौन, यहाँ पे देखिए स्क्यू इस तरह से होता है, ये देखिए इधर से आया, फिर से कॉर्नर को पकड़ लिया, फिर इधर से स्क्यू हुआ। अभी इसको मैं अगर मैं ऑल्ट पकड़ के करूँ तो देखिए दो कॉर्नर से ये बराबर होगा, इसको मैं अंडू करता हूँ, कंट्रोल टी किया, यहाँ पे स्क्यू किया। अभी ऑल्ट पकड़ने के बाद क्या करता हूँ तो देखिए इस कॉर्नर और उस कॉर्नर दोनों एक साथ जा रहा है, अभी इस कॉर्नर को पकड़ता हूँ तो वो दोनों एक साथ जा रहा है, स्क्यू है, स्क्यू इस तरह से होता है स्क्यू। अब राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे स्क्यू पे आइए, इस तरह से स्क्यू होगा। चलिए स्क्यू तो आपको पता लग गया, अभी राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे आइए रोटेट, रोटेट मतलब ये फोटो घूमेगा, आप इसको रोटेट जब भी रोटेट कर दोगे ना, अब किसी भी जगह में जाके जाओ, ये एक कॉर्नर को इसका माउस का आइकन देखे चेंज हो गया, एक बेंड जैसा हो गया, अभी कहीं पे भी इसको घुमा सकते हो, ऐसा घूमेगा ये, रोटेट मतलब घूमेगा, बस ये है रोटेट का काम। फिर लास्ट में आता है क्या, स्क्यू, स्केल, स्केल आता है लास्ट में, आता है स्केल। अभी स्केल क्या है, स्केल का नॉर्मली अलग काम है, जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं पर्सपेक्टिव करता हूँ, इसको मैं ऐसा कर देता हूँ, पर्सपेक्टिव कर दिया। अभी मेरे को इसको छोटा करना है थोड़ा सा, जैसे इसको मैं पर्सपेक्टिव कर दिया, अभी मैं इसको छोटा करना, देखिए किसी कॉर्नर पे जाइए, देखिए वो आइकन देखिए ऐसा ही होता जाएगा, ये छोटा नहीं होगा। अभी मेरे को इसी हाल में इसको छोटा करना, तो क्या करना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, यहाँ पे स्केल करना है, स्केल करने से के बाद तभी ये छोटा हो सकता है, ये देखिए तभी ये छोटा होगा। वापस एक बदल लेते हैं, इसको कंट्रोल टी किया, इसको मैं डिस्टॉर्ट किया, इसको मैं ऐसा कर दिया, इसको मैं ऐसा कर दिया, अब इसको मेरे को छोटा करना है, इसको मैं यहाँ पे कर दिया, इसको मेरे को छोटा करना है, कैसे करूँ, अभी इसके ऊपर मैं स्केल कर दिया, अभी मैं शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस किया, अभी इसको मैं छोटा करूँ, उसी शेप में छोटा होगा, स्केल का यही है मतलब। यहाँ पे रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, रैप कुछ भी ऑप्शन में मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद उसको मेरे को छोटा या बड़ा करना है तो उसी टाइम उसको स्केल पे राइट क्लिक करना है और फिर इसको कॉर्नर पकड़ के छोटा कर देना है, यही काम है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया, और एक बार मैनुअली आप भी देख सकते हो ये सब जब मैंने बोला है, स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, रैप, रोटेट 180, रोटेट 90 डिग्री,
तो क्लॉकवाइज, फ्लिप हॉरिजेंटल, फ्लिप वर्टिकल और रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, ये सब आप एक बार मैनुअली देख सकते हो, एकदम आसान है। एक बार एक दो बार देख लेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम छोटा छोटा आपको टिप्स देखते जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक इस वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसमें क्लिक करना है और उसके पास में जो बेल आइकन है नोटिफिकेशन पाने के लिए, वो बेल आइकन को प्रेस की दीजिए। और आपके पास नया नया कुछ आइडिया हो तो मेरे को बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने का। अब तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया वीडियो नया कुछ आइडिया के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।